हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आमले के मुरब्बे की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, यानी कि रसभरा, यानी कि रसगुल्ले जैसा। तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब हो, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है हमारे शरीर के लिए। ये आँखों से लेकर पेट तक, यानी कि हमारे बाल, यानी कि ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। यानी कि जो आंवला तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसका मुरब्बा तो और ही ज़्यादा कमाल का काम करता है। तो देखिए कितना अच्छा। और ऐसे ही हम रसभरा एकदम गुलाब जामुन जैसा एकदम चम्मच से आप देख रहे हैं आधा आधा हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा एकदम रसीला बना है। तो ये आंवले का मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा अच्छा यानी कि दिखने वाला। हम इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 kg आंवला लिया है। आंवला को मैंने अच्छे साफ पानी से धो लिया, ये देखिए। और इस तरह से हमने ये घर का आंवला लिया है। आंवला हमारा बहुत ही ताज़ा आंवला है, ये देखिए पेड़ का टूटा हुआ, क्योंकि हमारे घर में जो हमने गार्डन में आंवला खड़ा था उस पर से मैंने इसको तोड़ के रखा था। यहाँ पर मैंने 1.5 kg आंवला लिया है मुरब्बा बनाने के लिए। तो साफ पानी से आंवले को 2 बार धो लिया था और इसको छल्ली में छानकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रॉक करेंगे, यानी कि इसमें अच्छे अच्छे से गूंथ करके इनको तैयार करेंगे, छेद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये कांटे वाली चम्मच होती है ना, तो उससे हम इसको अच्छे से गोद लेंगे, यानी कि इसमें छेद करें अंदर तक करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट होगा, करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसमें अंदर तक रस जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो इसको देखिए, सभी आंवले को हमने अच्छे से गोद लिया, इनमें अच्छे से छेद किया है आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें अच्छे से हमारा जो रस है ना अंदर तक भरेगा और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट रसगुल्ले जैसा बनेगा आंवले का मुरब्बा। तो चलिए हम सबसे पहले हमने क्या किया है, तो यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी हमारा बॉयल होता जा रहा है, इसी में हम आंवले को छोड़ते जाएंगे। तो आंवले को हम एक साथ नहीं छोड़े, क्योंकि पानी हमारा है बॉयल यानी कि गर्म हो चुका है ना, तो इसलिए हम इसको दो दो करके एक एक करके छोड़ेंगे। आंवला मैंने पानी में डुबा दिया है, उबाल आने वाला है। इधर मैंने क्या किया कि थोड़ी सी फिटकरी ली है, ये देखिए फिटकरी हमने फोड़ करके तैयार कर ली है। फिटकरी से क्या होता है कि आंवले का कसीलापन जो निकल जाता है, आंवला मुरब्बा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम डाल देते हैं फिटकरी को। अब इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। हमें इसको तब तक बॉयल करना है ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट भी करना है क्योंकि हम इसको चाशनी में पकाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं। तो अब इसका पानी हमें हल्का हल्के हाथों से निकाल देना है, थोड़ा पानी निकलता है लेकिन ज़्यादा नहीं निकलेगा इस तरह से। इधर हमने कपड़ा लिया, इस पर सूती कपड़े पर डालते जाएंगे, किसी इन्हें हमें धूप में सुखाना है ना, तो इसलिए बस आंवला को हमने 4 घंटे प्रॉपर धूप में सुखाया है। देखिए सूख करके तैयार हो गए, इनका पानी था ना जो वो भी अच्छे से निकाल लिया हमने, और पहले ही निचोड़ निचोड़ के रखा था इनको, और ये धूप में मैंने 4 घंटे रखा है। तो ये देखिए सूख करके रेडी हो गए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो हम आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस भगोने में मैं क्या करूँगी, ये चीनी ली है मैंने, तो यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ, यहाँ पर मैं 600 ग्राम चीनी ले रही हूँ। तो चीनी को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आंवला का हमारा जो मुरब्बा है ना, तो आंवला भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए हमने 600 ग्राम चीनी ली है। तो जितना हमने चीनी ली है ना, तो हम पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमें पानी बहुत जलाना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें हल्का ही पानी डालेंगे। तो चीनी को हमने डाल दिया इसमें भगोने में। तो अब हम क्या करेंगे, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इसको हम चाशनी को थोड़ा आंवले को डाल देते, इसके बाद हम इसमें चाशनी डालेंगे। तो पहले हम इसे 1-2 मिनट ऐसे ही चाशनी में, यानी कि चीनी हमारी अंदर तक इन आंवलों में चली जाएगी, तब हम पानी डालेंगे। सबसे पहले पानी नहीं डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैंने आंवला अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। 2 मिनट तक हमने चीनी में अच्छे से इनको मिक्स किया है। तो हमने चम्मच इसलिए नहीं लगाई इसमें, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए और ये कट जाएंगे तो आधे आधे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर ये देखिए आधा गिलास पानी लिया, तो हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा जलाना पड़ेगा पानी। तो फ्रेंड्स देखिए, चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और ये देखिए आंवले में अच्छे से ये मिक्स होना शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये भगोना थोड़ा छोटा है, तो हम दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि बहुत ही जल्दी एक दूसरे में आंवले की जो चाशनी है ना सो एकदम अंदर तक जाएगी और अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ले जैसे बनेंगे। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भगोने को ट्रांसफ़र कर लिया है इस भगोने में, बड़े भगोने में इसको
मुरब्बे को बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए इसमें अच्छे प्रॉपर तरीके से डूब हो रहे हैं। तो अब इसको अच्छे से हम यानी कि इनको इनका रस अच्छे से भरने देते हैं। चाशनी जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती है, एकदम चिपचिपार नहीं हो जाती, तब तक हम इसको इसी में पकने देंगे। और अब गैस का फ्लेम धीमे कर लेंगे ताकि अच्छे अच्छे से पकेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तब भी हम चेक करते हैं तो देखिए एक दूसरे के ऊपर हम इनको अच्छे से इनको चला देंगे। अच्छे से चाशनी इसमें मेल्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे से अंदर तक जाएगी ना तो एकदम रस भरे गुलाब जामुन जैसे लगेगा आंवला का मुरब्बा हमारा। तो देखिए चाशनी भी हमारी गाढ़ी होने चली है। तो अब इसी में प्रोसेस के साथ हम क्या करेंगे, ये हमने इलायची 5 से 6 इलायची लिए, इनको हम डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आती, फ्लेवर भी अच्छा आता है इससे। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर मैंने 40 मिनट पका लिया है इनको, ऐसे चाशनी में धीरे धीरे करके पकाया। चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है और देखिए कलर भी चेंज हो गया है चाशनी का। और ये देखिए अंदर तक इसमें चाशनी भी चली गई है, लगभग बहुत ही ज़्यादा चली। लेकिन अभी हम 5 मिनट और इसे पकाएंगे, यानी कि 5 से 10 मिनट और पकाएंगे और इनका कलर भी चेंज होता चला जाएगा, तब ये मान लीजिए कि मुरब्बा हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो देखिए चाशनी में से ये तार सा टूट रहा है ना इस तरह से, ये इसका मतलब है कि प्रॉपर हमारी चाशनी बन करके रेडी है। तो आंवले के मुरब्बे के लिए चाशनी गाढ़ी होती है थोड़ा, और तो देखिए इस तरह से तार टूट रहा है। तो चाशनी हमारी बन करके रेडी है और मुरब्बे में अच्छे से यानी कि जो आंवले में अंदर तक ये चाशनी अच्छे से प्रॉपर ये देखिए फट रहे हैं आंवले हमारे, आप देख सकते हैं इस तरह से। जब बन जाता है ना आंवले का मुरब्बा तो इस तरह से इसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आंवले का मुरब्बा हमारा बन करके रेडी है। तो चलिए गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, अब इसको ठंडा होने देते हैं, तब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मुरब्बे को हमने ठंडा होने के बाद इस बाउल में निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और आंवला का मुरब्बा हमारा बन करके रेडी है। ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि इसमें टाइम तो फ्रेंड्स बहुत लगता है लेकिन ये खाने में जितना हम घर बाहर जा कर खाते हैं ना उतना ये घर का बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा शुद्धता होती है और ये हम अपने हाथों से एकदम स्वच्छ हाथों से बनाते हैं एकदम, तो जो भी चीज़ यूज करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा घर का हुआ आंवले का मुरब्बा हमारा बन करके रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ये बालों को और आपके पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये फ्रेंड्स आपके शरीर के लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसे फटाफट बनाइएगा। एक खाली पेट इसको एक खा लीजिए, देखिए कितना निखार भी लाता है। आपके चेहरे पर भी जो पिंपल्स हो ये वो भी होती है वो भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, तो पेट भी बहुत ही अच्छे से इसका क्लियर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स आंवले का मुरब्बा हमारा बनकर के तैयार है। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।